दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। आज हम लेके आए हैं आपके सामने हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन, जो किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो आपकी स्टडी चेक करने के लिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, अपनी स्टडी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आपके लिए सुपर वीडियो होने वाली है, लास्ट तक बने रहेंगे और अपने आंसर दे के जाएंगे कि आप इन 25 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्या आप अपने आसपास ऐसा एनवायरमेंट बनाइए, आप आधे पौन घंटे के लिए बिल्कुल फ्री बैठ जाइए और ये क्वेश्चन कीजिए कि यार मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और 25 क्वेश्चन मेरे सामने हिंदी के आए हुए हैं, क्या मैं इनको कितना कर पाऊंगा। तो ये वीडियो बेस्ट होने वाली है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आगे, कांटों को खून नहीं कहावत का अर्थ क्या है। कांटों को खून नहीं कहावत का अर्थ क्या है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय कारण स्तब्ध हो जाना और गुस्सा हो जाना, ये चार ऑप्शन है। इनमें से आपको राइट आंसर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहावत आए दिन किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप राइट आंसर देंगे तो देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है, भय कारण स्तब्ध हो जाना, इसका मुहावरे का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु कौन थे, आपको बताना है कि सूरदास के गुरु कौन थे। जल्दी क्वेश्चन का आंसर देंगे, रामानंद थे, रामदास थे, वल्लभाचार्य और विट्ठलानंद, विट्ठलानाथ आपके राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन ए रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ, ये ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी बताएंगे। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ वल्लभाचार्य, जी हाँ वल्लभाचार्य। सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, वल्लभाचार्य इनका गुरु था, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। अमरसे का क्या अर्थ है, अमरसे का क्या अर्थ है, आपको बताना है अमरसे का क्या अर्थ है। एक काव्य दोष क्या है, एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है और एक अलंकार है। अमरसे क्या है ये आपको बताना है, एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण और एक अलंकार, ये आपको आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए एक ये एक संचारी भाव है, अमर से क्या है, एक एक संचारी भाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विदाउट एनी वेस्टेज टाइम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर चार कितना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रिंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको इसका राइट आंसर देना होगा दोस्तों। और आप इन 25 क्वेश्चनों में से कितना कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और सारे क्वेश्चनों का आप आंसर जाएंगे देंगे और एक नोट्स बना लेंगे जिससे कि आपको कल को फिर इनको पढ़ने की जरूरत हो तो वहां से आप पढ़ सकें। तो क्वेश्चन है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, ये किस प्रकार का है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और संकर है, ये चार तरह के ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो तिलक किस तरह का है, तिलक है आपका तत्सम, जी हाँ तिलक किस तरह का है, तत्सम शब्द है, तिलक बनता है तत्सम शब्द से, ठीक है तत्सम तरह का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ। क्वेश्चन नंबर पांच है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, आपको सर्वनाम बताना है कि ये जो कोई दिया हुआ है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, आपको ऑप्शन दे रखे हैं अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कोई आ रहा है, कोई मतलब अनिश्चय है यार, कोई तो होगा, अब पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर निश्चय नहीं है कि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई मतलब कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक है कि कोई भी हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त तरीके से क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने छह आ गया है। क्वेश्चन नंबर छह है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको देना है। देखिए तीन जो ऑप्शन है आपके सामने, तीन ऑप्शन आपके पर्यायवाची हैं, किसके पर्यायवाची हैं, पत्थर के,
और एक जो ऑप्शन है वो पर्यायवाची नहीं है, तो पाहन, उपल, पाषाण, उरग, ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों देखिए, सारे के सारे ये पाहन, उपल, पाषाण, ये सारे के सारे पत्थर के पर्यायवाची होती है। ये सारे के सारे क्या है, पत्थर के पर्यायवाची हैं, और पत्थर का पर्यायवाची क्या है, उरग। ये पर्यायवाची नहीं है, किसका, पत्थर का। उरग पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष शब्द ये जो है, हर्ष का विलोम बताइए, हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद, इसका विलोम शब्द बताएंगे कि विलोम क्या हो जाएगा। तो खुशी, खुशी तो यार हर्ष होता ही है, ये भी खुशी हर्ष को ही बोलते हैं, विलास, विलास भी, आनंद, खुशी, ये सब एक ही है, और आनंद भी खुशी है। तो विषाद माने क्या होता है, विषाद दुख होता है, दुख मतलब बहुत ज्यादा बस हो गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विषाद जो है हर्ष का विपरीत शब्द हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विषाद हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा, और विलोम शब्द काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंश अंश के लिए उपयुक्त, अंश अंश के लिए उपयुक्त अर्थ भेद के विकल्प का चयन कीजिए। अंश अंश के लिए उपयुक्त अर्थ भेद के विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है कंधा संख्या, कंधा भाग, भाग कंधा, अंश हर, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, अंश अंश के उपयुक्त अर्थ भाव के, अंश अंश के उपयुक्त अर्थ भेद के विकल्प का चयन कीजिए। अर्थ और भेद, इनका अंश अंश का आपको बताना है। तो देखिए, अंश कंधा और ये अंश, एक होता अंश, किसका अंश है, भाग। तो यहां पे क्या बनता है, कंधा भाग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधा और भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आपको एक सेंटेंस दे दिया, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है, जीने की इच्छा। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरिहंत और ल्यूसेंट जो जी की हिंदी है वहां में आपको दिया हुआ है, उसमें आपको दिया है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीने की इच्छा, ये वहां पे किस तरह से रखा हुआ है, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, ये भी पूछ लेता, और जीने की इच्छा रखना क्या कहलाता है, ये आपको राइट आंसर देना है। तो जिजासु, जिजीविषा, जिज्ञासु और पिपासु, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। जिज्ञासु, जिजीविषा और जिगुसु और पिपासु, ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिजीविषा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है, जिजीविषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है, जिजीविषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इस तरह की ही हम बनाते रहते हैं आपके लिए वीडियो। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये सारी पीडीएफ मैं डाल दूंगा किस पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का नाम है पंकज फौजी ग्रुप है, वहां से भी आप जा सकते हैं। चलिए, आप कितना कर पा रहे हैं ये भी आप जरूर बता के जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, नग का अनेकार्थ शब्द नहीं है, नग का अनेकार्थ शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है आपके पास पर्वत, सूर्य, सर्प या हाथी, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। नग का पर अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, नग और पर्वत, नग को बोलते हैं, सूर्य भी है, सर्प भी है, लेकिन हाथी जो है अनेकार्थ शब्द नहीं है नग का, तो हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी को आंसर देंगे। और आप 25 में से कितने करके जा रहे हैं, आप 23 कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं, या बिल्कुल नहीं कर रहे, सारा बता के जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी किसकी है उसका आपको चयन करना है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ये है आपके पास साधु, साधु इस तरह से लिखा हुआ है, क्या सही है। उसके बाद शून्य, ये ठीक है। उसके बाद सांसारिक,
सांसारिक, और उसके बाद क्या है, ये हस्तक्षेप, हस्तक्षेप होता है या हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी किसकी है, हस्तक्षेप की अशुद्ध वर्तनी है। भिंगम दृष्टि कहावत का अर्थ है, ये आपको एक कहावत दे रखा है, इसका आपको देना है अर्थ। भिंगम दृष्टि का अर्थ क्या है, इसका ऑप्शन है आपके पास गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर और सरसरी नजर। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यंग दृष्टि का गहरी नजर नहीं होगा। व्यंग दृष्टि मतलब देखा एकदम निकाल, चल ठीक है, मतलब एकदम सडनली देख लिया और निकाल दिया। तो गहरी नजर मतलब देखते रहना, तीखी नजर मतलब बहुत ज्यादा यार तीखी नजर से देख रहा आज तो, मंद मंद देखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सरसरी नजर। देखिए बस एक चीज देखा, और लास्ट टाइम में जब एग्जाम होता है तो हम सरसरी नजर से देखते हैं कि एकदम गाड़ के नजर नहीं देखते यार, हम सरसरी नजर से एकदम बुक देखते रहते हैं, एकदम एकदम देखते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यंग दृष्टि मतलब सरसरी नजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किसी क्षेत्र की बोली को कोशिश किसी बोली किसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। किस क्वेश्चन नंबर 13 है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है ये आपको बताना है। कौन सा वो क्षेत्र जिसकी जो बोली है काशिका कहा गया है आपको बताना है, भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत, कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ की भाषा को काशिका कहा गया है। चलिए बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो देखिए वाराणसी की जो बोली है, वाराणसी की जो बोली है उसको क्या कहा गया है। जो वाराणसी वासी होंगे कमेंट्स करके बताएंगे कौन कौन चैनल पे वाराणसी के हैं और वो इसको जानते हैं कि ये वाराणसी इसका राइट आंसर है। तो अपनी प्रेजेंस देंगे कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। किस भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, किस भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, इसका आप आंसर देंगे। ऑप्शन है आपके पास अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। किस भाव को परिपक्व अवस्था को, किस भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, इसका आप राइट आंसर देंगे। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थायी भाव, जी हाँ स्थायी भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। अगर आप कोई छंद पढ़ रहे हैं और वहां पे कोई विराम आ जाए, अगर छंद पढ़ रहे हैं और वहां पर विराम आ जाए तो उस विराम को क्या कहते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, गति, यति, तुक या गण। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो विराम आता है ना कि पुराना खेल का सामान, उसके बाद विराम आ जाता है या, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए उसका जो ऑप्शन होगा यति बोलते हैं उसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निसहाय, निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है, निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है नी, नी, निशिस, कोई नहीं, ये चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निही, निही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उपसर्ग कौन सा है, निही उपसर्ग है, किसमें, निहाय में, इसमें आपका कौन सा है, निही उपसर्ग है, नी। ठीक है, उपसर्ग से भी एक पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी वर्णमाला में ए और एह क्या है। हिंदी वर्णमाला में आपको बताना है अंक की बिंदी है ये, और अह क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास स्वर है, व्यंजन है, अयोग्य वा है, संयुक्त व्यंजन है, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, ये आपके सामने दे रखा है। अंग और अह के क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोग्य वा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अयोग्य वा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन करके जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है, अच्छा लेवल है। अगर आप यहाँ पर 16-17 भी आप कर रहे हैं तो आप मानना कि आप ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लेवल मैंने इस बार रखा है हिंदी का।
अगर वहां पे जाएंगे तो आप हल्के क्वेश्चन आ गए तो आप धुआंसा उड़ा देंगे, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में संधि है, निम्न में संधि है आपको बताना है। एतुर मुरारी, इसका संधि क्या, कौन सी संधि है इसमें, ये व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, अयादि संधि है, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो शब्द दे रखा है एतान मुरारी, इसमें आपका व्यंजन संधि है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, व्यंजन संधि इसमें है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, जो उपसर्ग नहीं है इसके बारे में बताना है, इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है ए, चिर, प्रति, इका। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, ए, चिर, प्रति, इका, ये आपके सामने ऑप्शन है। इसमें से बताना है कि आपको उपसर्ग के बारे में बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है इका, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है, जब कभी क्लास लेंगे हिंदी की तो बता देंगे कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है या संधि क्या है, वो सारा मैं समझा दूंगा। अभी हम टॉप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं चलते, टॉप 25 क्वेश्चन में चल रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मैं आपके तैयारी को मजबूती देता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, हावत, बत, कह और आवत, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। कहावत का बताना है कि कहावत में कौन सा प्रत्यय आपका यूज हुआ है। तो कहावत में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, देखिए कहा प्लस आवत, कहावत, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आवत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, ऋजु का विलोम क्या है, जो आपको दे रखा है, ऋजु का विलोम क्या है आपको बताना है, ऋजु का विलोम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है सीधा, सरल, त्रिकोण या वक्र, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए ऋजु वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्ट्रेट ये नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऋजु का जो विलोम शब्द है क्या बोलते हैं, वक्र, क्या इसका विलोम है ऋजु का, वक्र। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, जो आपको अम्बुज अम्बुद दिया हुआ है, इसका सही अर्थ भेद का आपको चयन करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमल, बादल, जल कमल, समुद्र कमल, बादल समुद्र, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अंबुज कमल और अंबुद होता है बादल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल, बादल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल और आपका बादल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, जिसका पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। अवीरा, अबला, असहाय, अकेल्या, ये चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको राइट आंसर देगा देना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पता है क्या होगा, बीरा। बीरा जिसके ना पुत्र होता है ना पति होता है उसको क्या बोलते हैं, बीरा बोलते हैं, बीरा। ठीक है, तो बीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की देख लिया, 25 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज और सजेशन लेना है कि जैसे मैं ये करा रहा हूं तो क्या इसके डिटेल से बताना है कि ऑप्शन, ये डेट जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनके सबके एक एक करके डिटेल से बताऊं या जिस तरह से चल रहा उसी तरह से चलने दो, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। तो आप एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा जिस तरह से चल रहा है ठीक है, या एक एक जो ऑप्शन है उसको डिटेल से बताया जाए।
ठीक है। और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पंकज फौजी ग्रुप। और आपने 25 में से कितने हिंदी के क्वेश्चन किए हैं वो भी आप जरूर जाके बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको बता दूं कि पंकज फौजी ग्रुप से आप सर्च करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद ये सारी की सारी PDF मैं वहां पर अपलोड कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। समूहार्थी शब्द बताना है आपको, चिन्हित करना है, ठीक है। समूहार्थी शब्द चिन्हित कीजिए, कौन सा होगा? तो पुरुष समूहार्थी, स्त्री मनुष्य और भेड़, ये समूहार्थी कौन सा है? पुरुष, स्त्री, मनुष्य या भेड़ आपको इसका राइट आंसर देगा। जो समूहार्थी, जो समूह को, एक समूह विशेष को, समूह को दर्शाता हो कि ये एक समूह है, तो पुरुष तो यार कि पुरुष, स्त्री, मनुष्य सब एक तरह से है, लेकिन जो भीड़ है, भीड़ में कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भीड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन और काफ़ी हार्ड मैंने इस बार रखा है, तो आप इनमें से कितना कर पा रहे हैं वो बता के जाएंगे। आपका स्कोर क्या था हिंदी में ये आपने चेक कर लिया, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं वो आपने देख लिया है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।